भाए, जामुख राम न उचरे, कामुख फेर 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 कहाए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरबाणी
मेरे परम गुरुदेव भ्राता जी सम्मानीय सतगुरु पुरी वालियां दी परम जोत श्री गुरुदेव गवा वाले महाराज जी, परम श्रद्ध है, परम आदरणीय सभी महापुरुष सतगुरु देव वंदीश्वर साहब पुरी वालियां दे इस पावन पवित्र लुधियाना धाम विखे आए हुए प्रिय बंधु माताओं देवियों, जिमें कि तुसी सारे ही जानते हो, हर महीने ही परब्रह्म देवता सतगुरु वंदीश्वर साहब पुरी वाले उन्हां दी पावन पवित्र कृष्ण अष्टमी दे उन्हां दे अवतार दिवस ते नंद नंदन भगवान कृष्ण दे अवतार दिवस ते सतगुरु वंदीश्वर सतपुरश कवि साहिब महाराज आचार्य श्री गिरदास महाराज जी की यह पावन पवित्र वाणी दे सहज पाठा का संपूर्ण भोग हर बार ही सारी संगत वालों विशेष करके कुछ परिवारों वालों पाया जाता है। आज सतगुरां का अवतार दिवस है, भगवान कृष्ण का अवतार दिवस है। ऐसे पावन पवित्र ते सब तो पहला मैं सारी संगत को लाखों लाख बार बधाई देना हूं, क्योंकि वंदेश्वर साहिब पुरी वाले जिन्होंने अपने जीवन दे विच बहुत सारी तपस्या करके बहुत सारी धारणा काल करके और फिर अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करके साढ़े च आ करके वो विचरे और इसी वसुंधरा से उन्होंने कुछ समय भी बिताया, जिथे कि असी सारे ही आज उन्होंने इस पवित्र स्थान पर उन्होंने दर्शन कर रहे हैं मंदिर के विग्रह के नाल ही उन्होंने पवित्र रची हुई बाणी का असी भोग का सरवण किया है, सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। ये जो कुछ भी तुसी देख रहे हो ये वंदेश्वर साहिब पुरी वालियां की कृपा का ही नजारा है। वो बहुत ही साधारण जीवन जी करके उन्होंने साढ़े लोगों सत मार्ग से लाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय काल के बहुत सारे जीव जड़े कि वाणी तो बेमुख सन, जिन्हों वाणी की महत्ता का पता नहीं सी और नाम शब्द की हुंदा है पता नहीं सी और सिमरन के नाल नाल सेवा की है उसका फल की है और दान का फल की है। ये सानू इस पवित्र बाणी के जरिए ही उन्होंने मार्गदर्शन कराया। आज एक नहीं बल्कि हजारा ही लखा करोड़ा ही जीव उन्होंने चरण शरण जा करके अपने जीवन में सफला कर रहे हैं। मैं भी ते तुसी भी सारे बड़े पातशाही हाँ जिन्होंने ऐसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सतगुरु महाराज पुरी वाले गुरु रूप देख मिले। उन्होंने कथनी और करनी दे कोई अंतर नहीं, जो उन्होंने कथनी होंगी सी वही वो करनी दे अनुसार कहा करते। उन्होंने अपने जीवन को बचपन को ही, क्योंकि बार बार अपने जीवन का उद्धार करने वास्ते इस धरती से वो अवतरित होंगे और केवल एक नमित ही होता है परिवार, बल्कि लोगों को तारण हारण के लिए वो जरिया बना करके सानू वो मार्गदर्शन कराते रहते हैं। अज कहते असी भागा वाले हाँ इस पवित्र बाणी की देन जो है पंजाब दे विच सतगुरु वंदेश्वर साहिब पुरी वालियां दी है। बोलो वंदेश्वर उस समय दे विच इस बाणी नूं कोई नहीं सी जाणिया करदा, लेकिन उन्होंने इस पंजाब के इस इलाके दे विच जगह जगह ते इस बाणी का प्रचार किया
और बाणी के नाल जुड़न की प्रेरणा देते। ये बाणी एक एक बोल उनका महावाक्य है। इस बाणी के एक श्लोक को भी जेकर असी अपने जीवन च उतार लेने हैं तो साढ़े जीवन के सफल होने से कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। पर जरूरत है आज के कलयुग के टेंकर जुग के कि असी बाणी के नाल वध तो वध जुड़ करके बाणी के उपदेश नूं जो साढ़े लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ही धरोहर दिती है इसनों अपने जीवन च उतारन की कोशिश करिए। सत्संग के जरिए असी बाणी के पाठ के जरिए असी वध तो वध जुड़न की कोशिश करनी है, क्योंकि पहला मार्ग पहली पौड़ी ही सत्संग है। और जो व्यक्ति सत्संग सुनन लग पाया उसनों धर्म के प्रति आस्था विश्वास होना शुरू हो जाता है। असी बचपन में जब पहली बार सत्संग सुनिया तो उस वेले सानू उस तो पहला कुछ नहीं सी पता, लेकिन जब असी बार बार सत्संग सुनते रहे, क्योंकि ये सत्संग जो है बचपन से सुना प्रिय बंधुओं ये माता पिता से निर्भर करता है। जिन्हों के माता पिता धार्मिक होंगे ने वो अपने बच्चों को धार्मिक के ही रास्ते से ले जाते हैं। तुम जिन्हें भी इतने हर अष्टमी आते हो तो अंदर जो संस्कार है वो माता और पिता के संस्कार है। तुहाडे माता और पिता और कोई बिरला कोई मेरे जैसा कोई होर हो सकता है जरा कि सुन सुना करके आ गया, लेकिन वध तो वध साढ़े जीवन के मार्गदर्शन सब प्रथम पहला माँ प्यो होंगे। माँ प्यो के कारण ही असी उस मार्ग को अडॉप्ट करते हैं। और जिन्होंने माता पिता धार्मिक होंगे ने उन्होंने बच्चे भी फिर धार्मिक बन जाते। हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा जन्म ले लवे कि जो नास्तिक पिछले जन्म का नास्तिक संस्कार वाला हो, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर थोड़े ना ज्यादा कुछ ना कुछ उसके संस्कार जरूर आ गए। माँ पर भूत बोलो, माँ पर भूत पिता पर घोड़ा, बहुता नहीं था थोड़ा 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 संस्कार का दिन भी आ जाता है, चाहे कोई किन्ना भी नास्तिक व्यक्ति का क्यों नहीं है। लेकिन तुसी तो पागा वाले हो, थोड़े तो माता और पिता भी संस्कारित से बुजुर्ग भी संस्कारित ने, जिदे नाल मैं देखता कई साल तो 40-45-50 साल तो लगातार असी देख रहे हैं कि तुसी बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास के नाल तुसी गुरु चलना चाहते हो और कोशिश भी करते हो तुसी जो सुनते हो जीवन च उतारने। लेकिन कलयुग का बहुत बहुत बोलबाला बढ़ गया है, प्रभाव इतना बढ़ गया है कि जब वो फिर तो उठ के जाते हो कि कलयुग को अनुसार सब घेर लेना है और घेरी जाए हो, लेकिन असी अपनी मत छोड़ धर्म की डोरी को, धर्म की डोरी को नहीं छोड़ना, क्योंकि भोग के टाइम तुम हमें शब्द बोलिया है धर्म तो दस के नहीं धस गए तीनों लोक, धर्म तो धस के नहीं धस गए तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोष। तन बंदी छोड़ साहब जी ने हर श्लोक के बीच सानू चिचकोड़िया हिलाया सानू, लेकिन फिर भी साडा मन इन्ना गलत संस्कारा के नाल जकड़िया होया है कि फिर असी उस पास से चले जाते। तुसी देखा होगा बस्तर तुसी घर च धोंदे हो हुण तां बहुत सारे धोंदे नहीं, मशीन आ रही है, लेकिन पहला धोया करते सी, हुण कोई बेचारा मेरे वर्गा गरीब का धोना था अपने हाथ ना धोना होगा, लेकिन मशीन दे विच सारा फिल्टर हो जाता है। लेकिन तुसी देखा होगा जिस वेले तुसी पहली बार पानी पा करके साबन नाल उस नूं धोंदे हो
ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਹੈਗੀ ਮੈਲ। ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੋਲੋ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ, ਮੈਲ ਰੂਪੀ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਦ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮਨੀਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਪਾਪ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਅਗਲੀ ਗੈਂਚ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੰਦੋ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਮਨੀਸ਼ੋਰ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ, ਕਰ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਪੜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਪੁਰਸ਼ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਠ ਸਾਹਿਬ ਨੌ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਨਿਗਾਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਆਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੋਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਡੈਡੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭੀ ਬਾਤ ਜਾਨਕ ਹੀ ਔਗਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ ਕਰ ਦੀਪਕ ਕੂਣੇ ਪੜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮਝ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੂਲ ਹੈ, ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਕਬੀਰ ਕਾ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਤ ਲੋਕ ਅਮਰਾ ਕੋ ਚਿਹਰਾ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਕਰੇ। ਬਸ ਏਸੀ ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜ, ਬੋਲੋ ਪਿੱਛੇ 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 ਦੌੜ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਔਰ ਕਰਮਣਾ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਮਿਚਰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਚਨ ਮਿਚਰ। ਵਟ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਚੌਖੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਵੀ, ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਏ ਬੰਦੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੋ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗੇਟ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਸਫੋਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੈਲਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁੱਚ ਔਫ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਟ ਆਲ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਖਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਨਿਕਾਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇ, ਔਰ ਜਬ ਤਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਕਾਮ ਸੇ, ਜਬ ਤਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਫੁਰਸਤ ਨਾ ਹੋਗੀ ਕਾਮ ਸੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੋਲੋ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਸੱਜੇ ਸਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੈ
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਹਿੰਮਤ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੱਪੂ ਛੱਪੂ ਟੱਪੂ ਚਲੋ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸ਼ੁਭ ਅਵਤਾਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਗਾਲਾ ਕੱਢਣਗੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਤਾ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਅਸੰਭਵ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਇਸਨੇ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੰਨੀ ਸ਼ੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਹੀ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਵਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਾਤ, ਕਰ ਦੀਪਕ ਹੋਏ ਪੜੇ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਭਜਨ ਕਰੂੰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਭਜਨ
क्या कह रहे हैं? जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, ये बड़ी हैरानी की बात है। कह रहे कि जितना समझाओ, अगर किसी को छेड़ोगे जा रहे वो फिर आंखें निकालता है, क्योंकि मन को खुले कुमन की आदत पड़ी हुई है। उसमें बनोगे जिसका मोटी की गल ध्यान दे हो कि आवारा कुत्ता जिसको किसी ने रखिया नहीं बन के, उसे कोई गले से जागट नहीं पाई, कोई उसे जरा किसी बदी नहीं पाई, और उस कुत्ते फड़ लो गेम केन प्रकार फड़ के एक खुटे नाल बन दो, तो जिस वेले पहला का हाथ ही नहीं आना, उन्हें हाथ नहीं आना कुत्ते ने जरा आवारा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, एक कबीर जी कह रहे ने मन रूपी कुत्ते नु कह रहे ने कि मन जड़ा है कुत्ते दी न्याई है। कबीर कुत्ता राम का, देखो साहब कह रहे, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खैचू तित जा। बोलो जरा, कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित है तू तित जा। जेबड़ी, जेबड़ी रस्सी, जिदा कुत्ते दे रस्सी पाई है उन्हों उदा मालिक लेके चले जाता है। परमात्मा ने हाथ च तुहाडी साडी सब दी डोर है, ओ फिर मन नू इशारा कर देने है, और फिर मन को इशारा करने जिहड़ा मन परमात्मा दे नाल जुड़िया होया उहदे ओह नाल जुड़ जांदा है, उहदी प्रीत परमात्मा नाल जुड़ जांदी है, और जिहड़ा मन संसार नाल जुड़िया होया है ओह संसार नाल जुड़ जांदा है। अवारे कुत्ते नूं तुसीं जदों पकड़ के खूंटे नाल बन्नोगे, बड़ी मोटी जी सुधान दे रहा, और जिस टाइम पहले तुसीं उसको फड़ोगे, पहला हाथ नहीं आना, घटाओ जरा अपने मन से, पहला साढ़े मन ने हाथ नहीं आना, ये भी कुत्ता ही है, कुत्ते भी तरह ही पटते हैं, और वो भी देखो कदे उस दर जाता है हमारा कुत्ता, कदे उस दर जाता है, कदे उसे डंडे खाता, उसे गाला खाता, कदे वो पत्थर खाता है, और फिर भी बार बार जाता है, और फिर उसको जब जो तुम पकड़ लिया तो कुत्ते नाल बन दिता, कुत्ते नाल बंधन के नाल तुम जिसमें बन के हटोगे उछलता बहुत जोर जोर नाल पहुंचता है, ओहो मैं तो इसके बन गया। और ज्यों ज्यों टाइम बढ़ता जाता है, और तुसी देखना एक्सपेरिमेंट करके पढ़ के देखना, वही कुत्ता हौली हौली आवाज भी कटन लग पैनी है, ज्यों ज्यों बढ़ गया टाइम, सवेर से शाम, सवेरे बनया शाम तक, और शाम तक जिस खूटे नाल वो बनया सी ओहदे नाल ही मुंह ला के बैठा हुंदा है। बोलो बंदी छोड़ कि मन भी साडा कुत्ता है, जेकर संसार दे वल भजदा है, और जेकर इहदे राम दी जेबड़ी पा के बावर दे गुरु महाराज दे नाम रूपी खूंटे नाल बन दित्ता है, खूंटे नाल बनिया सी ना कुत्ता, असीं मन किहदे नाल बनना, बोलो बोलो किहदे नाल, जो गुरु महाराज को शब्द लिया है, नाम लिया, कितों भी लिया है, सारे ही सतवादी संत है। अगर जे तुहाडा मन ओहदे नाल तुसीं बन दित्ता ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੂਟੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੂਟੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੂਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜੜਮਤੀ ਹੋਤ ਸੁਜਾਨ, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। एक नरम रस्सी सख्त पत्थर दे उते अपना बार बार लगन दे नाल निशान बना लेंदी। नरम रस्सी सख्त पत्थर किन्ना होंदा है, सख्त पत्थर किन्ना सख्त होंदा है, लेकिन नरम रस्सी भी उहदे ते असीं देखिया बचपन कुएं दे उते लकड़ी दी
ਘਿਰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੂਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਵੀ ਰੱਸੀ ਆ ਘਿਰਨੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੇ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਚੂਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਰੀ ਆਪਤ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਲ ਪਰ ਪੜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਲ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾ ਮੈਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਰਮ ਰੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਰਮ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਪਸਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ ਉਹ ਥਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਮੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆ ਬੋਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੇਰੋ ਮਰ ਗਿਓ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲਦੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਣ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮਰ ਗਿਓ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਮਤਸਰ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੋ ਰਵੀਸ਼ੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਤਦ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਪੱਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਬਈ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਗ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਚਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਰ ਖਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜੀ ਜੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਸ ਜੋਨੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੰਦੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਦ ਬਿਜ ਖਾਨੀ ਭੁਗਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦ ਵਿੱਚ ਖਾਨੀ ਭੁਗਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਦਾਨੀ ਆਹ ਬਾਤ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਦ ਵਿੱਚ ਖਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਜੋਨੀ ਹੈ ਆ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਖਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰ ਅੰਡਰ
अंडरज भी खानी है, स्वेदज मैंने पसीने से बहुत क्रीमी ऐसे है जरा लेंस के नाल शीशे नाल तुसी देखने थोड़े शरीर ते भी घुमदे रहने इन्ने बड़ी होवे वो भी खानी है। जल रहने वाले जीवां दी भी खानी है, अंडरज मैंने अंडे तो उत्पन्न होने वाले पंछी वो भी खानी। एक तरह के पंछी थोड़ा इन्ने हजार पंछी अलग अलग किस्म वाले है और इन्नी तरह के पेड़ पौधे ये भी खानी है और उद्भिज खानी भुगत है प्राणी एक मनुष्य की जोनी है भी असी एक किस चौथी है जेरज। जेरज खानी क्या है जो जेर तो उत्पन्न होने वाले हो के लिए हम पशु है जेर तो उत्पन्न होने। प्रिय बंधु विचार करो असी भी माता के गर्भ तो आए हैं असी भी जेर तो उत्पन्न हुए हैं। बोलो मनीष लोड महाराज विचार करोगे तो समझ आएगी असी उस कोटि से जिस कोटि से पशु जन्म लेते हैं लेकिन पशु तो पशु रह जाते हैं। इन्हें चार खानिया का सब तो दुर्लभ शरीर ए मनुष्य टोला है भावे स्त्री का है भावे पुरुष का है। ये तुम किनारे से खड़े हो जिमें कोई कुएं के किनारे से खड़ जाता है जो थोड़ा जा पैर कुएं बेच नू करता तो गया नष्ट हो गया और जो बाहर रख लिया तो बच गया। एक ऐसे ऐसे असी एज से खड़े हैं किनारे से खड़े हैं मनुष्य चोला सन मिलया है और जेकर असी हुण नहीं संभले फिर मुड़ के इन खानिया दे विच फिर चले जाना क्योंकि प्रमाण है बंदिश रोड महाराज जी दा तेज कि उद्भिज खानी भुगते प्राणी प्राणी मैंने जीव फिर इनू भुगतना पैंदा है उद्भिज चार खानिया जिनू फिर जिहड़ा है तरह तरह की जिहड़ी है इनू कष्ट दुख भोगना पैंदा है। समझे नहीं शब्द सहदानी जो गुरु महाराज का महावाक्य शब्द है उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। सहदानी उस तो बड़ा कोई है नहीं संसार संसार दे विच सार वस्तु ही नाम है जिवें संसार दे विच सार वस्तु तुसी देखते हो नाम है इस असार संसार विच और जिवें तुसी देखते हो दुध विच सार वस्तु की है भाई घिओ है दुध के विचों तुसी उन्हों जाग ला के दही बना के उहदे चों घिओ कढ लैंदे लस्सी रह जाती है। इसी तरह संसार विच सार वस्तु परमेश्वर का नाम है। बोलो मनीष होर मन जानत सब ही बात जानत ही पौवन करे। एक होर गल ध्यान देना किन्नी गहरी गल कह रहे कबीर जी कहते अनजान च कीता होया पाप वह भी भोगना है। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜਾ। ਜਿੰਨੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਚ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਥੀ ਚ ਹੈ ਸਰਵਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਚ ਉਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਤੀ ਚੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ तू देखता नहीं थले तू तो ऊट की तरह मुंह चक के चलने है। और गुरु महाराज जी से बाणी से लिखते हैं निरख निरकृपा के धर कहीं जीव हिंसा नहीं कहते जेडे विचार मन पुरश है। देखो जैन मत के लोग जितने संत है जैन मत देखा होगा हम तो सारे जैन मत वाले हो गए मैं भी हो गया सारे पट्टी ला के रखते से पट्टी हम तो सारे ने पट्टी ला गई मास्क ला गया क्योंकि ये सभा के विच बहुत से छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो साढ़े अंदर चले जाते और वो कहने की जीव हिंसा है ये महापाप है। जीव हिंसा तो बड़ा कोई पाप नहीं किसी को तुसी जान तो मार दो ये तो बड़ा कोई पाप नहीं। इसी करके जैन मत वाले जड़े ने वो पट्टी लगा के रख रहे हमेशा पट्टी लगा दे मुंह दे ताकि कोई मुंह दे आके जीव मर ना जाए उसकी हिंसा ना हो जाए और उनका उनका जे नहीं भी कोई लगाना होता फिर मुड़ के फिर आजाद हो गए लेकिन अजय कोरोना गया नहीं है भाई मास्क लगा के रखा इसका फायदा बहुत है। जीव हिंसा से भी बचोगे और जो गंदी हवा साढ़े मुंह च आ जाती है वो भी साढ़े अंदर चली जाती है जिसके नाल बहुत सारे रोग आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जी है साढ़े मुंह के द्वारा अंदर जाती है नक् के द्वारा जाती है जब असं नक् के नाल सांस लेते हैं पिछे को खिंचते हैं तो अंदर जाती है जो नक् द्वारा अभी फोर्स करते बाहर को तो बाहर आता है श्वास
एक प्रक्रिया क्रिया प्रक्रिया का इस साधना करने वाले साधु कर दे ये बस की गल नहीं, लेकिन हो सकता मैं भी कुछ करते हो, मैं नहीं पता प्राणायाम क्रिया। चलो मैं तो नहीं जाना उद विच घानी भुगत प्राणी समझ नहीं शब्द सहदानी। महाराज तो पूछा भी थोड़ा रूप की है, देखो साफ कह रहे हम है शब्द शब्द हम माहे हमसे भिन्न और कुछ नहीं। मेरा स्वरूप जो है शब्द है। ध्यान देना तुसी सारे तकरीबन गुरु वाले बैठे हो, गुरमुख हो, तो पूछा जाए भी गुरु का स्वरूप की है, गुरु किस नु कहने इहदा उत्तर अज रिप्लाई तुहानु मैं दसणा। जे नहीं पता तां समझ के जाओ सत्संग च, गुरु का असली रूप है शब्द। बोलो मनीषोर साई लोगो भोलो रोज तुसी महाराज जी का उत्तर दिने इस गल का प्रश्न का, आरती तुसी रोज बोलते हो शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत कबीर दास गरीब दयाल है बंधा मैं जी। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुर सत कबीर दास गरीब दयाल है बंधा मैं जी। भाई भैन पति पत्नी रिश्तेदार दुकान मकान के बाद थोड़ी रक्षा करेंगे, वो भी हम बहुत घट रह गए, लेकिन सब तो पहला जो शब्द जो गुरु है सतगुरु जो है शब्द स्वरूप शब्द वो थोड़ी रक्षा करें। पंजा दस्त कबीर का सिर पर राखो हंस जप कर चमके नौकर दूत है किंकर मैंने दो दूत वो नेड़े नहीं आ सकते। आओ क्लैन बोलिए जब नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जब नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जब नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जब नेड़े ना आवे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जम नेड़े नाया वे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जम नेड़े नाया वे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जम नेड़े नाया वे बंदी छोड़ शरण पिया शरण पिया जम नेड़े लेकिन एक लाइन शुरू पहली श्लोक महाराज ने की बोलिया ऐसा सतगुरु हम मिले ऐसा सतगुर हम मिले ऐसा सतगुर हम मिले ऐसा सतगुर हम मिले ऐसा बंदी छोड़ 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 हम मिले। अगर पंख की जात पूरी वाले शरण पिया शरण पिया जम नेड़े नाया वे पूरी वाले शरण पिया शरण पिया जम नेड़े नाया वे पूरी वाले शरण
अर्थ है जिसे फिर तेरा एक्सप्लेन करांगे। शरण का मतलब सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर, तन तो भी सिलेंडर, मैं तन तो कोई माड़ा कर्म नहीं करांगा, वो समझो शरण है गुरुआ जी। मेरे जिहड़ा मन है, मन आ मन जिहड़ा है इहदे च लाइन चलेगी, कट गई लाइन, लाइट चलेगी, मतलब तो है तार भी है लेकिन जल्दी नहीं। शरण पिया जमने आएगी लाइट, शरण पिया जमने गुरु जी तन भी तेरा, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सब ते क्या लाई, बड़ा आसान है बोलना, लेकिन इन जीवन चरितार्थ करना बड़ा औखा है। हुण जे तुहानूं कहा जावे तुसीं कहो जी तुसीं असीं तुहानूं गुरु मानदे आ, या महाराज जी नूं प्रवान आ जावे, मैनूं कोई आ जावे टैलीफोन के वीरां नूं कहे वी हुण जिहड़ा ना है ए शाम दे 7 बजे तक इदे ही बैठे रहना, नाम जपणा हौली हौली। पिछले आए तो मौज है, उन्होंने कहना देखा सानू मलाने साहब रहना तुहाडा कितना भी क्या देता, अजे की मन नहीं देता, अजे तन ने बैठना है। मन ने था बहुत उस पटकड़ा जरा पटकड़िया सी अबारा कुत्ता उन्हें तो फिर छाला मार दे कितने तुम्हें नहीं गलना कि मैं कुछ गलना दस गया हूँ कितने कहे बाबिया चक्कर चीज। लेकिन तन भी तेरा, मन भी तेरा है, सब कुछ तेरा, तेरा तो जो शौक पे क्या ला गया कि कहना आसान है, जीवन तो करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शरण वो है जरा तन से भी समर्पित है, समझ आ रही है, और जरा मन से भी समर्पित है, जो मन अंदर किलोल कर रहे हैं और रोक करके गुरु महाराज के उस अगम रूप शब्द रूप के नाल जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सब तो उसका मन शरण है, तो गुरु की शरण है। और तन भी तेरा, ये जो माया दे भी कुछ है, ये भी तेरी, ये भी मैं को थोड़ा लेके आया, ये तब तक पहले रची हुई मैं इन्हें मोह कर लिया। इसी करके क्या गया कि शरण शब्द जिहड़ा है, कह दिंदे असीं शरण है जी तुहाडे असीं शरण हाँ, लेकिन होना शरण, जिस पर शरण हो जाओगे तुहाडी जीवन की जिहड़ी है चाल और ढाल ही बदल जाएगी। ये बड़ा गहन विषय है, जीवन के विच व्यवहारता बदल जाएगी, तुहाडा बोल बदल जाएगा, तुहाडे जीवन की चर्या जिहड़ी है वो अलग हो जाएगी दुनिया तो, तुसी उस तरह नहीं रहोगे जिस तरह आम दुनिया चल रही है। फिर दुनिया वाले तो आपको कहेंगे भी ये तो बदल गया भाई, ये तो कुछ और हो गया, क्योंकि उसने मन दे देता, उसने तन भी दे देता, उसने और जो कुछ इकट्ठा किया सी वो भी दे देता। शरण पिया जम नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया, शरण पिया जम नेड़े ना आवे, पूरी वाले शरण पिया। इसलिए शरण होना बहुत जरूरी है,
शरण जी तुसी है फिर थोड़े जीवन की यात्रा सफल है, और जे शरण नहीं हो ये सफल नहीं हो। ठीक है, तुसी शरीर करके बैठे हो मेरे बिठाए, और कुछ मेरे नाल भी थोड़ा प्रेम थोड़ा बहुत होएगा इस करके बैठे हो, या फिर पढ़ो कुछ बात पंडित जी ना गल करनी इस करके बैठे हो, या फिर तुसी जानो मैंने नहीं पता। लेकिन शरण बहुत बड़ी गल है। देखो भगवान राम के शरण च कौन आया सी? रावण का परिवार विभीषण। जदों की रावण भरा विभीषण सी, लेकिन भगवान को पता सी कि विभीषण पूरा शरण है, शरण होकर के आ रहा है। लक्ष्मण ने कह दिया कि महाराज थोड़ी नरमाई ने सानू ये जंगल की खाद सुना दी, एरे नाल ना दोस्ती पाओ, ये रावण का भरा है। कहते नहीं, तू ये भरा करके देख रहा, मैं इसके मन को देख रहा, क्योंकि इसका मन शरण हो चुका है। बोलो मनीषोर शरण। असी जो गुरु वाले हैं तो गुरुआ के शरण के विच जिहड़ा है रहो, पावर उन्होंने उपदेश जुड़ो तो तुम शरण हो, उन्हों की वाणी ना जुड़ो तो शरण हो। वो कहते झूठ नहीं बोलना तो शरण हो, वो कहते ईर्षा नहीं करनी तो शरण हो, वो कहते कि भाई किसी का हक नहीं हड़पना शरण हो, बेईमानी नहीं करनी शरण हो, कोई नशा नहीं करना दुनिया भर का शरण हो, क्योंकि उन्होंने उपदेश है। और जे तुम करते हो फिर तुम दिखावा करते हो, एवें मकोटा बनाया हुआ। मैं आपको भी कह रहा कि थोड़ा मैं पता नहीं, तुम जानो कन्न दिया जब नेड़े नायावे बंदी छोड़ शरण पिया जब नेड़े नायावे बंदी छोड़ शरण पिया जब नेड़े नायावे बंदी छोड़ शरण पिया जवाब है। शास्त्रीय दृष्टि गुरबाणी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा कि गुरु नाम है शब्द, शब्द गुरु है। और चेला किसन कहने? चेला, चेला जो थानू पूछ लिया जाए तू चेला बनिया, चेला तेरा मैं पता है इसकी परिभाषा का भी तू चेला है। चेला वो है जिसका चित मन गुरु शब्द ना जुड़िया हुआ है, वो चेला है। बोलो बंदी छोड़, क्योंकि शब्द आया वाणी शब्द गुरु चित चेला, जिहदा चित शब्द दे नाल जुड़ गया, गुरु के शब्द के स्वरूप नाल जुड़ गया, वह बोलो वो चेला है। जिन्ना चिर तुम शब्द के नाल जुड़ के रख लो अपने चित को, उन्ना चिर ही तुम चेले हो, नहीं तो फिर संसारी। हुण तुसी हिसाब लगाओ किन्ना तुसी अपना चित जोड़ के रखते हो, उस खुंडे नाल बन्ह के, नाम रूपी खुंडे नाल बन्ह के किन्ना चिर रखते हो। इस करके मेरे सामने घड़ी मैनू बरबस कर रही है कि, और नाल भी उधरों भी इशारा हुंदा है कि भाई इन्हां नूं छड्ड दे, बेचारे ने सौ काम करना है। मैं तो वेला, मैं तो कोई गल नहीं घंटा होर लगा दूंगा, लेकिन अज दे सत्संग दा मोड़ यही है कि मन जानत सब ही बात, जानत ही औगन करे, फिर काहे की कुछ लात, कर दीपक उवें पड़िया। इहदा मैं पूरा अर्थ कर रहा, मन जानता है सारी गल बात की है, असलियत जानता है पाप की है पुण्य की, और जानत ही औगुण करे। जानत जिहड़ा कहिंदे जानदा कि औगुण करदा, उहदा मतलब की है कि साडे गलत संस्कार मन दे उत्ते जांदे हैं, किसी करके बरबस असी उस पासे ढूंढन जांदे हैं, साडे संस्कार झूठ बोलण दे जांदे हैं, इसी करके असं झूठ पल बच जाते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन वह अर्थ जो फल है वह सानू पता नहीं कि कितना दुख भोगना पड़ा। कबीर जी कहते सच बराबर तप नहीं, सारा कुछ पता तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय हरि आप। सच जैसा कोई तपिश्वर नहीं दुनिया से, और झूठ जैसा दुनिया की कोई बात ही नहीं, और झूठ का बिल्कुल साग सब्जी की तरह से रोज ही खा खे। फिर
कहते कोई गल नहीं देखिया जाओ पर जावत जीवन सुखम दिए दत्तर बिना सुखना देखो कोई नहीं किसी का कोई लेना देना ना कोई पाप नहीं है मेरा रौला पाया बस संतान ने बाणिया ने मिल गया ये नास्तिकां दे मत नास्तिक मत के लोगों का यह विचार है लेकिन जो आस्तिक है वह कदे झूठी गरेज करते जो आस्तिक है वह कदे निंदा चुगली नहीं करते जो आस्तिक है वह कदे ईर्ष्या नहीं करते जो आस्तिक है वह कदे नशा पत्ता नहीं करते और जो आस्तिक है कदे अपने माँ प्यो का अपमान नहीं करते और जो आस्तिक है जी पत्नी अपने पति का अपमान नहीं करती और जो आस्तिक है वह पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझता है घर में तो स्वर्ग बनता है लेकिन साढ़े विचार इन्ने गलत हो चुके कि असी ईर्ष्या जल रहे असी दूसरे के मकान में दूसरे का कहने मेरा पमा रहे ना रहे ये जरूर कहता ऐसी वृत्ति बन चुकी है क्यों क्योंकि आस्तिकता घट है नास्तिकता ज्यादा है संस्कार गलत घट है इस करके मन जानत सब ही बात जानत ही औगन करे फिर काहे की कुशला फिर कहने तो कुशल मंगल करना तेरा हो जाएगा जानते हुए भी तू गलती कर रहा तेरा कुशल मंगल होएगा नो नेवर कदे भी नहीं फिर काहे की कुछ लात कर दीपक कुएं पड़े एक उदाहरण दे रहे हैं कर दीपक कर मैंने हाथ हाथ से दीपक लिया हुआ है लाइट जल्दी है टॉर्च है पानी दीपक कह लो कोई गल है और फिर भी खोज मिल रहा है पावत ज्ञान होते हुए भी गलत कर्म कर रहा है फिर दस कि तेरा दोष की तापुर के दोष है इन तो सब पता है फिर तो गलती कर इस करके आज सारे ही असि संकल्प करके जाइए कि जेकर साडा मन गलती पे जा रहा है तो इस लाइन नु जरूर याद कर लेना कि फिर कुएं च गिरन वाली गल है फिर कर दीपक कुएं कुएं पड़ा उस कुएं मैंने उस नरक दे फिर तू अपने आप पैर दे रहे हैं और कोई किसी का कोई दोष नहीं है तेरा अपना ही है ते मैं ना ज्यादा कुछ कहने हुए आज के इस छोटे जे सत्संग के प्रसंग में मैं तुहानू सब नू प्रेरणा देने की कोशिश की है कि अपने मन नू देखो मन दे विच किन्ने विकार है उन्होंने असी हौली हौली उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करिए फिर की है फिर आत्मा ही रह जानी है आत्मा का दूसरा रूप परमात्मा है बोलो वाली शोर अज का जो महाराज जी के इस दरबार के भोग पाया है उन्होंने परिवार वल वालों हैं जो साढ़े सतगुरु बंदेश्वर महाराज के सेवक चौधरी रामधन जी चौहान उन्होंने छोटे भरा जड़े ने रोशन लाल जी हैं ज्ञान चंद जी हैं लेकिन रोशन लाल जी ने अपने जड़ा है बच्चे की शादी की खुशी के उपलक्ष्य अज जड़ा उन्होंने बाणी का पूजन किया है और जो भी इस परिवार ये परिवार बहुत पुराना परिवार है सतगुरों का सेवक है और इस परिवार वालों अज पूजन किया गया बंदीश्वर महाराज जी और दो जे जीव ने जिन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम शुरू किया है मैं उन्होंने दो गल जरूर कहाँगा कि वो अपनी जी लड़की आई है उसनों अपनी लड़की नालों उसनों वध प्यार देना चाहिए अपने पुत नालों ज़्यादा प्यार दे कदे भी घर के कोई जड़ा है महापर्क नहीं हो सकता और लड़की जो है सोचे कि मेरा जन्म देने वाले माता पिता होता दूसरे सी लेकिन असली जन्म का निर्वाह करना है जो वो मेरा ये अपना घर है वो अपना घर समझ के सास सहुरे का आदर करे पति का आदर करे और पति और सास सहुरा उसनू लक्ष्मी समझ के उसका आदर करे और जेकर ऐसा असी अपना माहौल साड़ी भारतीय संस्कृति यही सानू दसती है लेकिन असी ध्यान नहीं देते असी वाहवाही के चक्कर पे हुए हैं सानू यही अकल दी है कि वास्तव में असी अपने फर्जा की अदायगी करते हाँ तो निश्चित ही घर के ही स्वर्ग है स्वर्ग कोई उपर नहीं है और जब असी फर्जा की अदायगी नहीं करते तो सब कुछ होंदे हुए सब कुछ है लेकिन नर्क हो जाता है तो मेरी वालों शुभकामनावान उन्होंने बच्चों और गुरु महाराज जी वालों आशीर्वाद उन्होंने बच्चों बहुत कुछ किया जा सकता सी लेकिन टाइम बंद हो गया मैंने ख्याल नहीं सी ते मैं उन्होंने बच्चों के लिए मंगल कामना करना शुभकामना दिना गुरु महाराज वालों आशीर्वाद दिना इस परिवार को भी ते तुहाडे लिए भी मैं अरदास करना जिन्हें भी तुसीं इत्थे आए हैं कि तुसीं अपने जीवन के वध तो वध सुमिरन करो सेवा करो
दान करो, अच्छा अच्छे शुभ कर्म करो और अच्छी सोसाइटी का अनुकरण करो, माड़ी सोसाइटी तो दूर रहने का ग्रेज करो और जीवन थोड़ा घर में ही सफल हो सकता है। बोलो बंदे छोड़ महाराज। अज जो अष्टमी है महाराज जी के पूरी वाले का अवतार दिवस था, तो अगली अष्टमी नोट करो 27 नवंबर की है। आने वाली अगली अष्टमी 27 नंबर उठे जरा है, मैं भी आवागा ते तुसी भी सतगुरां दे चरणां च। जिहड़े लुधियाणा वासी है उन्होंने तो हर रोज आना चाहिए, इतना सत लोक है इतने, जो कुछ भी तुम संसार दौफियां मंगते हो कुछ नहीं मंगते, इतना कुछ भी गल नहीं, चाहो तो तुम सत लोक वासी बन सकते हो। ऐसा दरबार है मेरा, आला दरबार गुरु महाराज का, इतने आया करो, सेवा करके जाया करो, उल जरूर गल्लां करन नहीं आना। जिन्ना समय आश्रम में प्रवेश करते हो सेवा चलती रहती है, इतने अटूट लंगर चलता रहता है और इन्ना बड़ा लंगर चलता है कि मैं जिस वेले पहले कला विचरिया करता सी, उस वेले असी किसी हिंदुस्तान के किसी भी कोने जाने जो कोई संत मिलते सी, तो उस संत ने मिलना या किसी महंत ने मिलना, किसी आश्रम से रुकना सी, तो उन्होंने पूछना कि तुहाडा गुरु आश्रम है, असी कहना जी हरिद्वार, कहते होर, मैं पंजाब लुधियाना, ओ लुधियाना उठे तक लंगर चलना, जब मर्जी चले जाओ, खुलिया भंडारा, बोलो खुलिया भंडारा, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास पूरा करता से ठीक है। खुलिया भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, बिना चिट्ठी तो देखो साढ़े महापुरुष आए, इन्होंने कोई निमंत्रण नहीं होगा, पर इन्हों खिच पैंदी है कि लुधियाना दे विच पूरी वालियां दा आश्रम है, उत्थे परवश हो जाती है, रात को भी आके कोई 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे असी देखिया, 5 बजे भी आ रहे हैं संत स्टेशन तो उतर के पैदल मिली पैंदा, और इत्थे आ करके इन्हां नूं एक बहुत बड़ा सकून मिलता है। जिन्ने संत इत्थे ये मूर्तियां कट्ठियां होंदियां, इन्ने संत कितने आश्रम विच नहीं देखे, मैनूं नहीं पता नहीं होने इन्नी आश्रम की सेवा होंगे, संत भी अभ्यागत भक्त भी कोई भी इतने आता है लंगर मिलता है, तो ये लंगर अटूट लंगर चलता है, ये महाराज जी का अटूट लंगर है। लेकिन एक गल मैं आपको कहनी है, कदे भी ये नहीं कहना मैं जलेबी दे दो, मैं गुलाब जामुन दे दो, मैं आ दे दो, जो थोड़े अगे आ गया उन्हें प्रसाद समझ के पाओ, फिर वो अमृत है अमृत है अमृत है। बोलो वंदी छोड़, और जलेबी गुलाब जामुन चमचम ये क्या क्या है बाहर लिखने हैं, सड़क पे जाके तुम देखो, इतने जो आ गया अंदर वो प्रसाद बन जाता है। इस गुरु महाराज के इस सेवक जिहड़े परिवार वालों सारे बेनती है कि सारे के लिए इन्होंने लंगर भी तैयार किया है, तो प्रसाद भी बनया, सब ने प्रसाद लेना है, उसके बाद लंगर पा के जाना है। बोलो बंदी छोड़ महाराज। सब प्रेम नाल जिहड़ा है अरदास करो।